देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहाँ एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ।